तो फ्रेंड्स हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन करना है। कहाँ गया क्रोम ब्राउज़र, ये रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है YouTube.com। आप चाहे तो इस पर भी क्लिक करके YouTube ओपन कर सकते हैं। मैं सर्च बार में सर्च कर लेता हूँ YouTube.com ओपन करना है। YouTube.com ठीक है फ्रेंड्स, YouTube.com हमारा होम पेज YouTube.com का कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद ये कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है डेस्कटॉप साइट पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपका होम पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम जो अपने चैनल का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो कॉर्नर में बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे भी अपना फ़ोटो या कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं। चलिए हम आइकन पे टाइप करते हैं। आइकन पे टाइप करने के बाद यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आएगा, जिसमें हमको पहले वाले ऑप्शन योर चैनल पे जाना है। तो हम चलिए योर चैनल पे टाइप करते हैं। योर चैनल पे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स ये आपका होम स्क्रीन है। यहाँ पे होम लिखा हुआ है तो ये आपका होम स्क्रीन है। इसके बाद ये अपलोड में जाके ये अपलोड वीडियो साइन, यहाँ पे वीडियो पे करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये सारा हमारा वीडियो जो हम लोगों ने यहाँ अपने चैनल पे अपलोड किया गया है वो सारा वीडियो यहाँ पे शो होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम कैटेगरी वाइज अपना प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं। जो भी प्लेलिस्ट हमको थंबनेल के साथ क्रिएट करना है कैटेगरी वाइज, ये हमारा चैनल है। चैनल पे क्लिक करने के बाद ये चैनल का 10 फीचर दिखा रहा है। डिस्कशन, ये डिस्कशन का ऑप्शन है। डिस्कशन में जाके हम अपने फ्रेंड के साथ अपने चैनल के विषय में, अपने वीडियो के विषय में जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो चीज़ें बता सकते हैं। अब अबाउट में जाने के बाद हमें अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन, हमने अपने चैनल में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपने चैनल के बारे में, वो चीज़ें यहाँ शो होंगी। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं कस्टमाइज चैनल। इसके बाद हम कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, ऐसा डिस्कशन में यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अबाउट अपने फ़ोन में जाके यहाँ पे जो भी अपने चैनल के बारे में लिखा वो देख सकते हैं। ये सर्च बार में जाके हम अपने चैनल का नाम टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और ये है हमारा माय वेबसाइट। ये जैसा कि ये आइकन आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अपना चैनल का आइकन चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ एडिट पे जाके आप एडिट कर सकते हैं फ़ोटो वगैरह, या आप जो भी गैलरी में हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
अब इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर आते हैं, यहाँ से हम हमें दिख जाएगा कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूवर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें दिख जाएगा। और ऊपर ये एक तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च बार मिलेगा, यहाँ से अपने वीडियो या चैनल कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या वीडियो कोई हुआ या कोई चैनल हुआ वो सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है व्यू मैनेजर, फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वीडियो मैनेजर। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है सिंपली, और वीडियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपने जो भी सारी वीडियो अपलोड कर रखा है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से आप चाहे तो लाइव जा सकते हैं, तो यहाँ आपको कमेंट, लाइक्स, वीडियो व्यूवर सारी चीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जाना है मोबाइल के नीचे, ये देखिए कॉर्नर पे सेटिंग कुछ फूल जैसा आइकन दिख रहा है, सेटिंग उस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर किसी भी चीज़ पे करते हैं तो ये ऑप्शन आपको इजी तरीके से मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर पे जनरल ऑप्शन आया हुआ है, जनरल और डिफ़ॉल्ट यूनिट्स में यूएसडी, यूएस डॉलर है। आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से अपने अपने रुपये को या यूँ कह लें अपने डीआर को या पॉलिश स्लोटी पेनम सोल, जैसे कि आपका न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ पे डॉलर चलता है, अपने यूएस से होते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर है फ्रेंड्स। और अगला है चैनल, सेकंड ऑप्शन हमारा है चैनल, उसी के ठीक नीचे जनरल के ठीक नीचे चैनल। अब वहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपने ऑप्शन पे आ चुके हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर रहता है, आप अपने कंट्री के हिसाब से अपने रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जनरल के नीचे ही चैनल, चैनल में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे अपने चैनल का नाम, चैनल की टैग और कंट्री वगैरह। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, एडवांस सेटिंग में ये देखिए फ्रेंड्स ये आप पढ़ सकते हैं एज यू इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ पे अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो आप पहले वाले सेट द चैनल इज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड
कंटेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रेन। अगर आप बच्चों के लिए अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, और दूसरा वाला ऑप्शन है नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स। इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है, आप वीडियो वगैरह या अदर भी चीज़ें कुछ अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और थर्ड वाला ऑप्शन आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो, अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब आपको कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन आएगा, तो उसमें बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट यही है कि आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और इसके नीचे सब्सक्राइबर काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये आप यहाँ से अपने सब्सक्राइबर को शो कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। एडवांस चैनल सेटिंग है, इसमें जाके सारी चीज़ें आप चैनल से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप डिसेबल इंटरेस्टेड बेसिक्स ये, और इसके बाद है ब्रांडिंग में, ब्रांडिंग में ये आपका वीडियो है, वाटरमार्क टू योर कंटेंट इज ए ग्रेट वे टू इम्प्रूव ब्रांड चैनल रिकॉग्नाइज, यहाँ पे लर्न मोर से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है फीचर एलिजिबिलिटी, ये फ्रेंड्स ये सब सेटिंग कोई खास सेटिंग नहीं है, फीचर एलिजिबिलिटी ये आपके लिए थोड़ा सा खास है, जो भी न्यू चैनल क्रिएटर है हमारे यूट्यूब क्रिएटर जो जिन्होंने अपना नया चैनल क्रिएट किया हुआ है उनके लिए ये ऑप्शन बेहद खास है। उनको अपना चैनल जो है उनको जो अपना चैनल है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट फीचर इनेबल लिखा हुआ है, इस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा फीचर्स डैट रिक्वायर फ़ोन वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पे इनेबल कर रखा है, इसको इनेबल करने के लिए जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट फीचर इनेबल वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो इस पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपके वेरी जो भी फ़ोन नंबर है उस पे आपका OTP जाएगा, उसको आपको इंटर करना पड़ेगा, बस आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका सारा सेटिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आता है परमिशन, ये आप अपने यहाँ पे ऑप्शन है एड ए चेंज परमिशन फॉर दिस चैनल फॉर नाउ दिस परमिशन वॉन्ट अप्लाई टू सम चैनल फीचर्स एंड पार्ट्स यूट्यूब। फ्रेंड्स ये बाई डिफ़ॉल्ट आने चाहिए, कम्युनिटी पे जाते हैं कम्युनिटी पे, ये भी बाई डिफ़ॉल्ट है फ्रेंड्स, ये सब भी कोई खास सेटिंग नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से इच्छा अनुसार देख सकते हैं एग्रीमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बाद हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ चाहे आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड वीडियो, अगर आपने पहले से कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अपने गैलरी में, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, तो इस अपलोड वीडियो पे आप क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट फाइल करके आपने जिस भी जगह वीडियो रखा है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और सेकंड है फ्रेंड इसमें सेकंड फ्रेंड है गो लाइव, अगर आप कोई चीज़ लाइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,